अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ आर यू, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, ज़ारेब का व्लॉग। और लाहौर में रात में जितनी ही होती है ठंड, उतनी ही होती है सुबह गर्मी, और गर्मी नहीं दिखा रही है, थोड़ी सी भी नरमी। आज के दिन के समाचार कुछ ऐसे हैं कि अभी जो है मैंने एक शूट के लिए जाना है जहाँ पर मैंने मोबाइल को तोड़ना है, तो मोबाइल टूटेगा नहीं, कंपनी क्लेम कर रही मोबाइल ही टूटेगा भाई, तो हमें वो करने के लिए जाना है। उसके बाद जो है वो कल बारात के कपड़े जो है मेरे लाहौर आ गए हैं वो पिक करने हैं, खुरैम से भी मिलना है, उसके अलावा शायद हम रातों क्रिकेट मैच भी खेलें, बट वगैरह सब होंगे। और जरनाब के भी कपड़े जो है वो सिलेक्ट करके फाइनल करने के, जरनाब ने कल क्या पहनना है, जरनाब के कपड़े सिलेक्ट नहीं हुए हुए, जरनाब अभी घर हैं और वो रेस्ट कर रही हैं, वो घर फैमिली के साथ है, और आपका भाई जो है वो जा रहा है शूट के। मैं और ये मेरे पुराने दोस्त आपने देखे होंगे पहले व्लॉग में मेरे, फैसल भाई, हम लोग जो है वो आए हुए हैं एक काम से, लोगों से तोड़वा रहे हैं मोबाइल, किसी से मोबाइल टूट नहीं रहा, 10,000 रुपये जेब में रख के लेकर आए होंगे, भाई तोड़ो और पैसे ले जाओ। शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि आवाम बहुत सारी आ गई है और बहुत सारे प्यारे लोग मुझसे मिले हैं, मगर अब बहुत सारे लोग आ गए तो मैं सबसे नहीं मिल पा रहा, और मुझे जो है वो डे लाइट क्योंकि जा रही है तो मुझे काम एंड भी करना है, तो बस हम सीधा अभी भाग रहे हैं वापस उस जगह पे जहाँ पे सन्नाटे लगे थे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी फैमिली आई हुई हैं, बहुत सारी बहनें भाई आंटियाँ सब मिली हैं, तो बस फैसल भाई बोल रहे हैं कि लाली अब भागो 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 भाई भागो, आवाम आ रही है। ये जो फोन तोड़ रहा हूँ उसके धुआंधार शॉट के लिए जो है ना, मैं अभी बचपन जमाने वाले जा रहा हूँ टाइम में, और वहाँ से मोबाइल फेंकूंगा नीचे यहाँ पे, अगर फिर भी फोन ही टूटा ना भाई तो फिर तो सबको खरीदना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये बहुत ही प्यारे भाई हैं, उन्होंने बोला है कि हमारे पास आके गोला गंडा खाओ, तो अगर आप लोग कौन सी जगह पर हैं, हमारे में रेस कोर्स पार्क लाहौर, बस यहाँ पर आओ और इनका गोला गंडा, मेरा बेटा बिलाल है उसके जरा शेयर करो। मैडम जो है वो आ गई है, मैडम को पिक कर लिया है, शूट हो गया है खत्म। उमर भाई ने बोला लाली 8:30 बजे तक डॉट पहुँचना है, तो जरनाब को हमने कर लिया पिक, जरनाब ने करने अपने कल के कपड़े सेलेक्ट। जरनाब कहाँ है? हेलो हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। सुना है आपको ठंड नहीं लग रही इस बार लाहौर में? बाहर निकले मुझे पता चलेगा, कल तो लग रही थी। मोहतरमा के ड्रेस के लिए हम लोग आ गए हैं, मोहतरमा चेंज कर रही हैं एंड उन्होंने दो ऑप्शंस चूज किए हैं, लेट्स सी कौन सा वेयर करती हैं। मेरे कपड़ों का मुझे अभी तक कुछ नहीं पता क्योंकि मेरी बबलू से मुलाकात नहीं हुई है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही, जब वो मुझे फ़ोन करता है मैं बिज़ी होता हूँ, वो मैं उसको फ़ोन करता हूँ तो वो बिज़ी होता है। वहाँ हमारे बॉयज़ वेट कर रहे हैं क्रिकेट के लिए, और मुझसे जो है बहरिया टाउन इज़ लाइक 45 मिनट्स अवे एज़ पर गूगल मैप्स, पर लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मुझे लारिफ की आवाज आई, मैंने कहा कौन है, वो कहती है रात वाले भाई हैं, कैसी हो? चीकू चेंजिंग रूम में। कैसी हैं? समझ आ रहा है जी, लिखा मैं ठीक हूँ, आप बताएं भाई। भाभी ये ड्रेस पहन रही, पकड़ लिया नहीं, ये मैं कोट स्टाइल देख रही थी, दुआ का भी अभी सेलेक्ट नहीं हुआ। दुआ का तो यहाँ पे कपड़े है ही नहीं, लड़कों के कपड़े तो मिलते ही नहीं यहाँ पे। अलियाना व्हाट इज योर प्रॉब्लम? जब भी मैं आता हूँ आपके पास आप मेरे साथ हंस के ऐसे खेलते हो, पर मेरे पास आती क्यों नहीं हो, क्यों, क्या मसला है? इतने महंगे महंगे आंसू निकाल लेती है। लाली ने उठाया हुआ था, इतना रो रही थी, मैंने हाथ किया, मेरे पास आई फौरन चुप। एक टू डेंटोनिक, सब आ जाते हैं मेरे पास। जरनाब के जो दोस्त है ना वो है बासिल और अलियाना हो गई है। अलियाना बचपन में मेरी दोस्ती, अब अलियाना जो है ना 300 साल की हो गई, तो मेरे पास नहीं आती, जरनाब के पास जाती, ढूंढेगी बराबर मुझे मगर आएगी नहीं। बेगम जनाब का जो है ना वो बारात का ड्रेस हो गया है डन, वलीमे का नहीं हुआ डन, खा लो नाश्ते में पानी, और अभी हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद क्रिकेट वाला प्रोग्राम। तो मेरा तो बेचारों ने बुकिंग कराई हुई थी, खैर मैं उनको फ़ोन करके बोलता हूँ कि माजरत के साथ आज आपका लाली आपके साथ क्रिकेट नहीं खेल सकता क्योंकि आप हमसे तकरीबन 50 मिनट दूर हैं और बुकिंग ख़त्म होने में सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट बाकी हैं, तो मैं ऐसा लगेगा जब मैच ख़त्म होगा बोलूँगा अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़। गर्मा गर्म खाना आ गया है इतनी सारी डिप सॉसेस के साथ, बीफ ते चिकन, हाँ भाई खाया जाएगा। यस फाइनली 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 बबलू हमारा हमारे पास आ गया है और हम इनसे मिलने कपड़े भी आ गए हैं, हमें बस फाइनली शादी में पहनने का अपने कपड़े होंगे। थैंक यू सर, आप खसूसी मेरे लिए जो है ना कपड़े ले आए, लव यू। कोई मसला नहीं है। गुड मॉर्निंग पीपल, आज जो है वो है अली भाई और इकरा की बारात, हेंडी शेंडी। जरनाब जो है वो अभी रेडी होने के लिए जा रही हैं, मैडम के समाचार बिल्कुल 11th hour पूरे होते हैं, खैर हो गए हैं। जरनाब को अभी हम ड्रॉप करना है, जहाँ जरनाब को ड्रॉप करना है सैलून में वो हमारे रहने के पॉइंट से कोई 40 मिनट दूर है, तो मैंने मैडम को 40 मिनट दूर छोड़ने जाना है और फिर 40 मिनट वापस।
फिर हम वेट करेंगे, मैं जाके बस सोऊंगा और वेट करूंगा जरनाब कब रेडी होगी। जब जरनाब रेडी होने में एक घंटा रह जाएगा, जरनाब बोलेंगे लाली रेडी हो जाए, रेडी होकर जरनाब को पिक करेंगे और फिर सीधा जाएंगे वेन्यू पे। यार इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना लाहौर का आज, और जरनाब को ड्रॉप कर दिया, मुझे लग रही थी बहुत खतरनाक भूख, तो मैंने बोला क्या खाएं क्या खाएं। एक जगह यहाँ पर जो है ना वो हॉट पॉट बर्गर मिलता है, बीफ बर्गर, और बीफ का तो शायद आई हूँ वैसे ही मैं, तो बस वो खाने के लिए आ गया हूँ। माँ गर्म जो है ना वो बर्गर आ गया, बर्गर खाएं इसके अंदर है आग लगी हुई है। जो आपको धोखा दो उसे छोड़ दो, इस पॉट को भाई तोड़ दो। भाई फुल स्पीड में अच्छा, दो पैटी है भाई बीफ के। वैसे इसमें डबल पैटी रहने की स्पेशल ने आपके लिए ट्रिपल पैटी लगा के दिया। ट्रिपल पैटी लगा देते भाई, खाएगा कौन तो सारा कौन खाएगा, तीन दिन का खाना हो जाएगा मेरे। थैंक यू भाई, थैंक यू यार ब्रो, वेलकम। पेटी का जो ग्राम है ना 100 प्लस ग्राम है, तो हमने आपको स्पेशल 300 प्लस ग्राम आपको पेटीज दे दी। 300 ग्राम मेरे को जे कटलर समझ रहे हैं, रॉनी कोलमैन समझ रहे हैं, छोटा वाला। इंशाल्लाह इसका साइज भी लार्ज है बिग विद प्राइस। अब आपको ड्रिंक को लेनी है, स्प्राइट डाइट में चाहिए या फिर कोक चाहिए? यार मैं पानी वाला हूँ भाई। कराची में तो बारिश हो रही थी, लाहौर में भी बारिश शुरू हो गई है, और शादी का जो वेन्यू था आज की बारात का, वो जो है भाई शिफ्ट हो गया है। अली भाई और भाभी का मैसेज आया कि जहाँ आप लोग आ रहे थे अब वहाँ नहीं, दूसरी जगह पे आना है। तो बेचारों का जो इवेंट था वो आउटडोर वेन्यू पे था, अब इंडोर कहीं शिफ्ट किया है, तो ये वाला मसला हो गया है। पतीली में किसी ने खाना खाया होगा इसीलिए हुआ होगा, क्योंकि बोलते हैं जो पतीली में कुर्चने खाता है ना उसकी शादी में बारिश होती है। रना को खैर पिक करने जा रहे हैं और पिक करके सीधा वेन्यू। ये हमारी खूबसूरत सी ब्राइड है हमारे पास, फाइनली आप हमारी भाभी बन रही हैं। अभी हम इंटर हो रहे थे और आपकी फैमिली में सब हमें पूछ रहे हैं कि आप किसकी साइड से हैं। फिर आपने क्या बोला? फिर मैंने कहा लारिफ तो अली भाई की साइड पे है, मैं अभी सोच रही हूँ। नहीं नहीं ऑब्वियसली मैं भाई ब्राइड मेड लेकिन आप बहुत प्यारी लग रही हो यार, माशाल्लाह। यार मैंने होता था आपकी साइड, फिर ना हर कोई जो है ना वो आपकी साइड होता, मेरा भाई गया। लेकिन टाइम तो आप मेरे वाले पे आए तो आप मेरी साइड। हां वैसे ये भी बात है, और आपसे अरे अली अली भाई से उठा के, अली भाई ने बोला था कि मेरे साथ बारात पर आओगे आप, लेकिन टाइम ऐसा था कि बस फिर आपकी साइड थी। यस सही बेटर था, और मैं जब शॉट ले रहा था मैंने तो और कौन सा आई ये पता लगा कि बारिश होगी। चलो खैर आप आओ स्टेज पे, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ ये डिटेल्स आपको पूरी मिलेगी इंट्रो वाली के ब्लॉग्स। यस सब कुछ यहाँ नहीं दिखाई गया। असल में क्या हुआ, हमें भी मौका दो, हम भी आए तुम्हारी पे। कब तक हो, कब तक कपड़े बदलता रहेगा और आता रहेगा, बस अभी शुरू कर भाई। जब तक ना, जब तक है जान, मैं जल्दी कर ले भाई, यहाँ पर ढूंढना शुरू कर दूँ मैं बस। नहीं अभी क्या जल्दी है, शादी चले अगले साल, दो साल, तीन साल। अच्छा नहीं लग रहा मेरा, नहीं नहीं मेंटल पीस नहीं अच्छा लग रहा। ये जो तुम बार बार ड्यूटियाँ दे रहे हो, तुम चाहते हो मैं भी दूँ, शर्म तो नहीं आई आपको? वालेकुम सलाम, आपकी बेटी कल आपका नाम चिल्लाती रही। अब हम आपसे ये सवाल कर सकते हैं, ना हम आपसे ये सवाल कर सकते हैं कि भाभी कहाँ है? मेरी भाभी, मेरी भाभी। अच्छा आपकी भाभी, भाभी तो आड़ी बोटी। यार मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, मैं 25 प्लस हो गया हूँ। हाँ वाकई वाकई। जरनाब जो है वो इकरा भाभी पे दम करते हुए, और वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच। की एंट्री होने लगी है गाइज, वहाँ पे दूल्हे राजा वेट कर रहे हैं, और मुझे मेरा टाइम याद आ रहा है, इट्स वेरी हार्ड, मुझे रोना आ रहा है। डोली उठाने से पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये ना वहीं टाइम पे उठे ही नहीं। कभी आप भी इस डोली में बैठिए इंशाल्लाह। मेरे भैया वहाँ पे माइक में सबको इंस्ट्रक्शंस देते हुए, वहाँ दूल्हे राजा इंतजार करते हुए, और यहाँ सब लोग लाइन बना कर खड़े हैं एंट्री के लिए। सब अपनी अपनी फुलझड़ियाँ जलवाते हुए चलेगी। धूला भाई जो है ना वो ब्लॉगर बना हुआ है अभी, और ब्लॉगर तो है ही, बाकी अभी जो है ना वो भाभी की एंट्री हो रही है,
यहाँ मेरे लिए कोई सिग्नल आया, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। साले यहाँ मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, वो नहीं सुन रहा। हेलो उमर, ये लो, ये नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं होता, चले बोले भाई, जाओ जाओ, हो गया हो गया। अरे मैंने किसी की फुप्पो को बुला दिया, वो जला देंगी। चलो गाना लगा दो, गाना लगा दो। Comes our beautiful bride, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सारी फुलझड़ियाँ जल गई हैं। वाह वाह वाह, चाचा ये क्या हो रहा है? वाह भाई वाह, पैसे सही सही जगह काट रहे, पता नहीं चले। शकीन माशाल्लाह, अली भाई की पूरी फैमिली माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दूध पिलाई का दूध गिर गया है, क्यों गिर गया? तुम लोगों ने गिराया ना? लड़के ने गिराया, नहीं गिराया। दूध पिलाई का दूध था वो गिर गया है, अब शगुन हो गया है। अब जो है ना वो बोल रहे नहीं नहीं, आप ये हमने भेजा था लड़के को, हमने भेजा था कि दूध गिर जाए, पैसे नहीं देने पड़े। अली भाई जल्दी आओ, अली भाई दूध पिलाए भी कितने पैसे डिस्काउंट कितना करवा? अभी लेट्स सी, अभी लेट्स सी, अभी सारी बार्गेनिंग होगी। मुझे जो है ना वो भाभी की बहन ने बोला कि आप लड़की वाले की साइड से आओ। क्यों भाई, अभी तो मेरी तरफ से था। एक्सक्लूसिव दूध पिलाई हर फ्लेवर में दस्ते यार, ये तो फ्रॉड है। Too much of English is injurious to health. ऐसे लड़की नहीं जाने देंगे, ऐसे लड़की नहीं जाने देंगे। तारे 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 गया, तारे 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 गया। एक मिनट, एक मिनट, अब उतार लिया जो एक मिनट जरा तो दो, अच्छा एक मिनट, वो बैकअप जूता किधर है? इकरा बोलो ना कुछ यार भाईजान, 10,000 चुप हो गई, अबे 10 नहीं आंटी, डॉलर लिख देंगे उसके ऊपर। वो देख भाई बच्ची चुप हो गई, इसको कौन बोल रहा है? ओए कम कर, ओए तू वो क्यों दिखाया तूने? 10,000 6,000 रुपए देना, ये लेफ्ट वाली पॉकेट, ये ले मेरा भाई, छुट्टी कर, छुट्टी छुट्टी बस छुट्टी, इससे ज्यादा नहीं। मैं ये बता रहा हूँ, एक बार मेरी प्यारी बहन ने जो बोला मैं मानूंगा आज, मेरी रिदा ने जो कहा है मैं उसको दिल पे लिख चुका हूँ, अब वो नहीं बदल सकता, बदल नहीं सकता। इसके 2,00,000 रुपए मेरे पास पड़े हैं कसम से, 2,00,000 से कम की बात नहीं, हम बांट लेंगे आपस में। ये है कि 1,00,000 रुपए में भाई निपटे हैं, मगर 1,00,000 दिए नहीं है हमने, चला की करी 5-5 वाले नोट ज्यादा रखे थे तो उनको लग रहा है 1,00,000 रुपए दिए, मगर दिए नहीं, 50 दे दिए। और अब जो है वो शायद आने वाला है, इसका मतलब है कि सबको अपने अपने घर जाना है। इंग्लिश में बैठ, उर्दू में जुआ, कैसी है मिनाइल? गुड गुड गुड, चेंज हो गया आज, चेंज हो गया, चेंज करना पड़ता, अगर ना होता तो फिर इससे इससे पिटाई होनी थी, इससे पिटाई आपको इधर करनी चाहिए, माफ करती नहीं है। ये आपके लिए, इनके लिए कुछ होगा। पहले जिंदगी में अपने लिए खाना डालता था मैं, वो भी कम, मगर अब पहले जो है ना वो शर्म मार के दावत पे जरनाब के लिए खाना लाना पड़ता है। मैं अपने घर की शादियों में खाना नहीं खाता हूँ शर्म से, मुझे खुद से लिया नहीं जाता, इसी वजह से मैं शादी नहीं कर रहा। मैं खाना पा रहा हूँ जी 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 अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया हूँ भाभी, जो बात करनी है अपने को, याद है? याद है, बस जी बोले, ओ ध्यान जी बोले, क्या होता है सामने सर माजरत, अरे मैं समझा मुआज पे बैठा हुआ है, सॉरी सॉरी भाई, ओल्ड हो गया, मेरा मजाक, मैंने भी यही किया। क्या ना, हेलो गलू, मैचिंग चेक करो मेरी और हरियाणा की। अरे वाह, चुप कर जा भाई, क्या हो गया देखो, क्या हो गया अफगानी? मैचिंग बता रहा हूँ कि मैचिंग करी हुई मैंने भी इसके साथ, करते हैं भाभी, टेंशन मका हुआ खाना पका हुआ, ब्रंच तक मैचिंग लेके आई है साथ, कॉन्शियस नहीं है इतनी, वो है क्रिएटिव अम्मा है ये। चलो बाय 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 बाय, शुरू बस अभी हो रही है विदा, उसने कुरान की है, कुरान का किया होगा, इकरा लाल और सी आले मोहम्मद, मेरी मामा का बैग ही पकड़ गया ट्रेंड चेंज।